हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र लेके आई हूँ। ये एक ऐसा अस्त्र है जो कभी फेल नहीं हो सकता। कैसे क्रैक कर सकते हो आप आईआईटी जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ये आपने अगर अभी से स्टार्ट कर दिया तो फेब्रवरी आते आते आप डेफिनेटली इतने प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि आप एक बढ़िया सिंगल डिजिट रैंक ले सको, क्या पता AIR 1 भी आ जाओ। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपको पहले तो बताऊंगी कि कैसे इसको क्वालिफाई करना है, और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि वो आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल एकदम स्मूथ कर देगी। ओके, जानने के लिए आपको एंड तक बने रहना है, और एंड में हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए आधी मेहनत ऑलरेडी हम लोग ने कर दी है। ओके, बस आप लोगों को करते जाना है जैसा बताया जाएगा यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होता है ये एग्जामिनेशन, इसको कैसे टारगेट किया जाता है। तो पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाके आईआईटी जाम का सिलेबस देखिए। मैम ये सिलेबस कहाँ मिलेगा, कितने वेबसाइट को ढूंढे, क्या चेंज हुआ है क्या। अरे घबराने की बात नहीं है, जैसे कि आपको मैंने कहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं एक जादुई दुनिया बताऊंगी, एक जगह बताऊंगी जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। पहले याद रखो कि आपको क्या क्या पॉइंटर्स याद रखने हैं बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा बच्चों, सिलेबस को देखो, समझो क्या है सिलेबस। ओके, आपको कौन से टॉपिक्स आते हैं। अगर हम बात करते हैं आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी की, तो हमारे इस एग्जाम के अंदर आप लोगों को बायोलॉजी तो पढ़नी ही होती है, उसके अलावा आपको पूछा जाता है 10+2+3 लेवल की केमिस्ट्री, आपको पूछी जाती है 10+2 लेवल की फिजिक्स, पूछी जाती है 10+2 लेवल की मैथमेटिक्स, तो आप लोगों को ये बातें भी पढ़नी होती है। मैम क्या इसके बिना क्वालिफाई हो सकता है। देखो एग्जाम क्रैक हो जाएगी बट सिलेक्शन की गारंटी मैं नहीं देती हूँ। अगर आपको सच में जाना है आईआईटी में, बायोलॉजी पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको एक बेहतरीन रैंक चाहिए है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पूरा ना भी पढ़ो चलेगा, बट जो टॉपिक्स मैं आपको एंड में बताऊंगी उन टॉपिक्स को अगर आपने कर लिया तो वो बिल्कुल सफिशियंट है आप लोगों के लिए टू गेट अ गुड रैंक इन योर IIT जाम BT एग्जामिनेशन। सिलेबस को ब्रेक डाउन करो, प्रायोरिटाइज करो, देखो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या आपको इकोलॉजी एवोल्यूशन आता है या आपको टफ लगता है, आपका फिजियोलॉजी पार्ट एनिमल फिजियोलॉजी अच्छा है या आपका प्लांट फिजियो अच्छा है, बॉटनी या जूलॉजी। ये सारी बातें आपको अपने बारे में समझनी होगी। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, बट अगर आपने सही तरीके से उसको बिल्कुल एनालाइज कर लिया तो आप लोगों के लिए काफी बेटर होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से देखो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आपको करने हैं वो मैं आपको एंड में जरूर बता दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू लुक फॉर द गुड स्टडी मटेरियल। टेक्स्ट बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू कि आप स्पेसिफिक बुक्स की तरफ ना जाएं, बिकॉज टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि आप पूरे बेसिक से पढ़ सको। आप अगर चाहो तो आप किसी हमारे साथ किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो जहाँ पे आपको हर चीज बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है उतनी चीजें ही आपको यहाँ कराई जाती है। यू डोंट हैव टू स्टडी दी होल बायोकेमिस्ट्री बुक, आपको उसमें से जितने क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है उतने टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे सही से आपको करा देंगे। सो टेक्स्ट बुक्स रेफरिंग इज गुड, आपके पास टाइम है, अगर आपको रीडिंग बहुत पसंद है आप उनको रेफर कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस बुक्स, उन प्रैक्टिस बुक्स को आप पूरा सॉल्व कर लो। ट्रस्ट मी, बच्चों ने बुक्स जब सॉल्व किया तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूव हुआ है, एंड वही उनको परफॉर्मेंस हेल्प किया उनके फाइनल के एग्जामिनेशन में। सॉल्व करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब मैम ये कहाँ मिलेंगे, उसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है, कहाँ मिलेगा ये सारे इंफॉर्मेशन आपको एंड में पता चल जाएगा। लुक फॉर सम ऑनलाइन रिसोर्सेस, ठीक है, आप हमारे प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म पे आप हमारी सारे वीडियो लेक्चर्स, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, वहां पे आप जाके सारी चीजों को एक्सेस बिल्कुल फ्री कर सकते हो। तो हमारे यूट्यूब पे भी है, प्लस हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ऐप है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपने आपको पहले छोटा सा बस एक रजिस्टर कर लो, एंड जाके आपको वहां पे सारे लेक्चर, सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। सो लुक फॉर दीज रिसोर्सेज, बिकॉज अगर आपने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया शायद इम्यूनोलॉजी, तो आपको लग सकते हैं मे बी 3 हफ्ते, बट अगर आप हमसे पढ़ोगे तो 1 हफ्ते में पूरी इम्यूनोलॉजी अच्छे से स्टार्ट टू एंड समझ भी लोगे और पढ़ भी लोगे। सारे टेबल, सारे चार्ट्स आप लोगों को बन के यहाँ पे मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली।
दीज एग्जामिनेशन, दिस IIT जहाँ BT एग्जामिनेशन डिमांड्स कि भाई आप NAT, MSQs, MCQs सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, किस स्ट्रेंथ किस पार्ट में आप मैक्सिमम स्कोर लेके आ सकते हो। प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, हमारे ऐप में बहुत सारे क्वेश्चन है, बुक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को काफी इजिली मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट देना ही सिर्फ नहीं है, आपको वहां के सारे रिजल्ट्स को इवैल्यूएट भी करना है और देखो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। आपको अपना प्रोग्रेस इवैल्यूएट करना आना चाहिए। आपका जो परफॉर्मेंस ग्राफ है वो थोड़ा भी इंक्रीजिंग है, इट्स परफेक्टली फाइन। अगर वो कम होने लगे तो फिर हमारे लिए टेंशन वाली बात हो सकती है। डेली आपका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रहे। अगर आपका ग्राफ कभी कम हुआ, देखो क्यों कम हुआ, नेगेटिव में मार्क्स गए थे या आपने सॉल्व भी नहीं किया था, टाइम नहीं मिला था, क्या हुआ था, लुक फॉर दीज एनालिसिस एंड सीक हेल्प। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपके साथ हम डेली कनेक्ट करते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, आके आप हमसे जो भी आपकी क्वेरीज है वो सारी बातें आप पूछ सकते हैं। अब जो आपको मैंने कहा था ना, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पेपर एनालिसिस, ये सब आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो एक जो प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट ifasonline.com। यहाँ जाके अपने आप को बस छोटा सा साइन इन करना है। आफ्टर दैट आपको जाना है बच्चों, आपको जितना तो आपको विजिट करना है हमारी इस वेबसाइट के ऊपर, दैट इज ifasonline.com। जाना है हमारे इस IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में और यहाँ पे आप लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी, जो आपको हेल्प करेगी टू क्रैक दिस IIT जैम एग्जामिनेशन। बच्चों आप यहाँ पे जा सकते हो, आप जाके कंप्लीट सिलेबस का एक्सेस ले सकते हो, बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट सेम केमिस्ट्री क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बच्चों मिल जाएगी हमारे इस वेबसाइट के ऊपर। सो दिस इज द एंटायर केमिस्ट्री सिलेबस, मैथ्स का आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस भी मिल जाएगा। तो याद रखना है, सिलेबस के लिए आपको कहीं यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ विजिट कर सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या लेवल के होते हैं, तो याद रखना है IIT जैम के एग्जामिनेशन में सेक्शन ए, बी एंड सी होता है। सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ द MCQ क्वेश्चन, सेक्शन बी में होते हैं MSQs, मतलब कि मल्टीपल सिलेक्ट, जहाँ पे आपके आंसर्स मोर देन वन हो सकते हैं। सेक्शन सी में आते हैं बच्चों न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने आपको कहा था ना कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, तो क्या करना है, हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सारी मेहनत कर ली है, हमने पूरा पेपर का एनालिसिस कर लिया है। आप सिंपली यहाँ पे जाइए, पिछले कितने साल 2005 से लेके तो अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बच्चों IIT जाम के, वो सारे एग्जाम का पूरा एनालिसिस आपको हमारी इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो इफ यू आर थिंकिंग यार बायोकेमिस्ट्री तो डिफिकल्ट लग रही है, क्या मैं ये वाला टॉपिक करूँ या नहीं करूँ, भाई डिसाइड कैसे करोगे, तो जाके पेपर का एनालिसिस देखना कि यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, कितना वेटेज रखता है हमारा ये टॉपिक, इस बेसिस पे ही फिर आप बता पाओगे, आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आपको इसको करना है या नहीं करना है। सो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट, एनिमल, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्निक्स, ऑल दी टॉपिक्स आर गिवन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। तो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से डर लगता है, तो भाई इनमें से आप कौन से वो टॉपिक्स करो जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ ये फिजिक्स का पेपर, तो मुझे नजर आ रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट से काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यहाँ से मुझे काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जाके आप ये देखो पहले कि किस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा टू चूज योर टॉपिक्स। ओके, सो डोंट गो कि भाई हम सब कुछ पढ़ेंगे या फिर ये टॉपिक को कम्प्लीटली छोड़ देंगे, ये डिसीजन आप ये एनालिसिस देखे बिना नहीं ले सकते हो। तो जाइए पहले इस एनालिसिस को ध्यान से देखो, उसके बाद डिसीजन लो कि किस टॉपिक को करना है, क्या आप स्किप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप कट ऑफ का ट्रेंड देखो, तो भाई अब तक कभी भी हमारा मार्क्स 40 के ऊपर नहीं गया था, ये इकलौता बार था बच्चों 24 में जब आपका कट ऑफ 44 चला गया था, बिकॉज पेपर वॉज क्वाइट ईजी। तो कट ऑफ का ट्रेंड आपको ये बताता है कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स, इतने तो लाने ही लाने हैं।
आई ऑलवेज से कि अगर आप आईटी जाम टारगेट कर रहे हो तो आपको 60-65% मिनिमम लाने ही होंगे, तब जाके आपको एक अच्छी रैंक मिल सकती है और आपकी बढ़िया आईआईटी पे मिल सकता है। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेम्बर, जितने भी अब तक के प्रीवियस एग्जाम पेपर्स है, जितने भी आईआईटी जाम ने अब तक एग्जाम्स लिए हैं, वो सारे पेपर्स आप लोगों को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो आपको कहीं आवा जाने की जरूरत नहीं है कि सही क्वेश्चन क्या है, गलत आंसर क्या है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें हमारे इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो हाउ टू क्रैक दिस आईआईटी जाम स्टूडेंट्स, पहले आप जाके देखिए यहाँ पे सिलेबस, एक कम से कम पेपर लगा कर देखो कि भाई कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लुक फॉर द पेपर एनालिसिस, डिसाइड कि मुझे क्या टॉपिक करना है, क्या टॉपिक मैंने स्किप किया तो भी चल जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बुक्स डेफिनेटली आप रेफर कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप अगर हमारे साथ में एनरोल कर लेते हो तो आपको हर चीज़ें बिल्कुल पढ़ाई जाएगी, ताकि आपका टाइम बहुत कम लगेगा एंड आप जल्दी से सारे टॉपिक्स को कवर कर लोगे। सो आई होप दिस वॉज वेरी मच इन्फॉर्मेटिव फॉर एवरी वन ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेरी, एनी मोर डाउट ऑन दीज थिंग्स, तो डेफिनेटली आप हमसे वैसे पूछिएगा, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ऑल, बिकॉज आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट कि मेरे सारे बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई भी करें और बढ़िया रैंक के साथ एक बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले। ओके, सो जस्ट विजिट दिस वेबसाइट एंड यू कैन गेट ऑल दी डिटेल्स। कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता है, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।